हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंडिसेस एंड सर्च यानी कि घातांक और करनी का अगला यानी कि क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 नंबर से होगा। इससे पहले मैंने जो भी क्वेश्चन बताया हुआ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पर लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत स्वार्थी है, स्वार्थी बोले तो सिर्फ पढ़ना जानते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी फायदे हो रही है तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। लाइक करने में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान तो नहीं होता है। हाँ, मानता हूँ कि अभी मेरा ये जो चैप्टर चल रहा है थोड़ा हार्ड है, लेकिन जब तक देखिए आसान चीज़ों पे तो माइंड टिकाना आसान होता है, लेकिन हार्ड चीज़ों पे अगर आप माइंड टिकाते हैं तो क्या होगा कि आपको सिलेक्शन मिलेगा और क्वेश्चन ईजी बनेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पर माइंड टिकाइए, वीडियो पूरा देखिए और इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान रखिए और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 20 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 20 नंबर काफी आसान क्वेश्चन है और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2 पर पावर दे दिया है -2, ये दे दिया है, और उसके बाद प्लस दे दिया है आपका, ठीक है, और दे दिया है -2 पर पावर 2, यही ना क्वेश्चन है, -2 पर पावर 2, ठीक। अब ध्यान देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पर पावर -2 दिया है ना, अगर 2 पर पावर -2 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस नीचे भेजता है और प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अगर -2 × 2 करेंगे, ध्यान से समझना, -2 × -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। अब देखो 1 का यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस 4, जब इस तरह कर रहे तो क्या लिखना, 4 × 1/4 आंसर हो गया, ठीक, और ये आपका 2 नंबर आंसर है। कैसे समझना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए, जब भी ये माइनस रहता है, अगर मान लीजिए एक्स पे पावर -1 है तो ये इसको एक्स पे पावर 1/x लिखते हैं, लेकिन अगर -2 दे दे तो क्या लिखेंगे, 1/x का स्क्वायर, तो वही तो क्या रहे, ठीक है। तो पिछला कॉन्सेप्ट कहीं तरह से सारा क्वेश्चन है इस तरफ। चलिए 21 देखते हैं, देखिए 21 नंबर सवाल क्या होगा। क्वेश्चन कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है इसमें। क्या लिखा है, 2 पर पावर लिखा है 3 और पर पावर 2 दे दिया, यानी कि ये 3 का स्क्वायर दिया, ठीक है, और फिर आपका दिया है माइनस, और यहाँ पे लिखा है 2 पर पावर 3 और पर पावर 2 लिखा है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो कहता है क्या बराबर होगा, तो ध्यान से देखो ये 3 का अगर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 9, ठीक, और माइनस, लेकिन हाँ ये वाला जो टर्म है ना, यहाँ जब ब्रैकेट लगा के रहे तो ये 3 पे स्क्वायर नहीं है, ये पूरे पे स्क्वायर, 2 पर पावर 3 पर टोटल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक सूत्र होता है a^2 m / n रहे तो a^2 m / n ये रूल होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 पर पावर 2 / 6 लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों से कॉमन लेना, बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि 9 में 6 घटाने लगते हैं, ठीक है, और 2 पर पावर 3 करके 8 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है, वो नहीं करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये समझना कि 2 पर पावर 6 मेरा कॉमन आ जाएगा। अब देखो जब 6 कॉमन आया तो कितना बचा, 2 पर पावर अगर मान लीजिए 2 × 2 = 9 टाइम है, 6 टाइम हम 2 को ले लिए तो कितना टाइम बचा, 3 टाइम, तो 2 पर पावर 3 लिख दिए, ठीक है, 6 × 3 = 9, और क्या किया माइनस यहाँ से 1 ले गया, ऐसा देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं, 2 पर पावर 6 जब कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 पर 3 बचा। अगर आप रूल से चलोगे यहाँ पे इनटू है ना, a^2 m / a^2 n = a^2 m + n, 6 × 3 = 9 वही हो रहा है, तो हम समझ गए कि हाँ 2 पर पावर 3 बचेगा और -1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 2 पर पावर 3 का मान, 2 पर पावर 6 का मान कितना होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 32 = 32 × 64, ठीक है, मतलब आपको 6 टाइम 2 लिख लेना है और गुना करना है, तो आ जाएगा 64, और 2 पर पावर 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 पर 3 8 और माइनस 1 7, गुना 7 कर दीजिए, 7 × 2 = 8 हासिल 2, 6 × 7 = 42, 448 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं, 4 नंबर ऑप्शन है आपका, तो आसान था 21 भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, देखिए 22 नंबर सवाल की बात करें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.4 × 10³, ये लिखा हुआ है, और फिर आपको भाग दिया हुआ है, अगर भाग दे तो इसको हम डायरेक्ट बट्टे में लिख सकते हैं कि नहीं, भाग को बट्टे में लिख सकते हैं, भाग है तो बट्टा में लिख दीजिए, ठीक है, और 8 × 10⁻²² दे दिया, 8 × 10⁻², ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे समझो, इसको कटा लो 24 को, 8 × 3 = 24, ठीक है, और 0.1 अंक के बाद था ना, तो 0.1 अंक के बाद बैठा दिया, 0.3 हो गया,
उसके बाद हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि 10 पे पावर 2 है ना, इसको अगर ऊपर ले जाओगे ना तो ये 10 पे पावर माइनस 2 है ना, तो 10 पे पावर 2 हो जाता है, ठीक है, गुणा में। आपको कैसे वो भी समझाऊंगा, बस अब देखिए आसानी से बना रहे हैं। 0.3 हो गया, ठीक है, और इसका दशमलव ले लो 10, मतलब दशमलव हटा के 10 ले लो और गुणा कर दो। अब ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, 10 पे पावर 5, 5 बार, यानी कि ये जीरो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एक जीरो कट ही जाएगा तो क्या बचेगा, 3 × 10⁴, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। नहीं समझे तो देखिए फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, 8 × 3 = 24, 0.3 हो गया, 0.3 लिख दिए, गुना लिख दिए, 10⁻³ लिख दिए, और यहाँ पे समझो ये 10⁻²² लिखा हुआ है ना, आप क्या करो इस जगह पे 1/10² कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यानी कि 0.3 है इसका बटे 10 लिख दो, ठीक है, यानी कि 3/10 गुना 10⁻³ है ना, तो 1, 2, 3 0 लगा दो और 10² 100 है ना, तो ऊपर ले जाओ इसको, तो गुना क्या हो जाएगा 100, ठीक, ये 0 0 कट जाएगा, तो कितना 0 बचा, 1, 2, 3, 4 ना, तो 3 × 10⁴ लिख दो। अब अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम है, एकदम विस्तार से तो बता दिया हूँ, लेकिन शॉर्ट करने भी तो सिखा दिया कि ये 2 - 2 ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, गुना 10⁻² और 1 0 यहाँ से उड़ेगा तो 10 0, तो इसका 1 खत्म हो जाएगा, 3 × 1 = 4 0, यानी कि 10⁴ हो जाएगा, 3 × 10⁴, ठीक, शॉर्ट का बनता है, देख के बनता है सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 22 नंबर सवाल की बात करें तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 64 पे पावर दिया है -1/2, ठीक है, देखो क्वेश्चन बस लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जान नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आप बना चुके हैं पिछला वीडियो में, और पिछला वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। देखो ध्यान से, अगर ये कहता है तो क्या करना है, यहाँ पर माइनस है ना और यहाँ पे 64 है ना, इस 64 को आप ऐसा लिखो कि ये 2 मेरा कट जाए, अगर संभव हो तो देखो 8² यानी कि माइनस नीचे ले जाएगा, ठीक है, 1/ माइनस नीचे करता है, और 64 को लिख सकते हैं 8² 8 × 64, और ये जो है ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी 1/2 हो जाएगा नीचे जाके, ठीक है, 2 2 कट गया तो क्या बचा, 1/8 बचा, माइनस कर लो। फिर इस 32 को ऐसा लिखो कि ये 5 कटने कट जाए, मतलब संभव हो तो 2^5 32 होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा के ऐसे लिख सकते हैं 2^5, लेकिन हाँ ये माइनस के चलते ये 1 नीचे कर लो, पहले 1/ लगा लो, ये माइनस के चलते नीचे चला जाता है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि x^-1 रहेगा तो 1/x लिखते हैं, तो -4/5 है, तो अगर 4/5 है तो क्या करेंगे, 4/5 लिखेंगे, ये रूल हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/x^4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, लेकिन x नहीं लिखना था, x तो वहां पे था, उसका ही बात यहाँ आ गई, यहाँ पे 32 है ना, तो 2^5 लिखिए 32 को, ये आपका माइंड क्रिएट करेगा, ये सब चीज प्रैक्टिस से होता है, सब चीज, ठीक है। अब देखो 5 5 तो कट जाएगा ना, ठीक है, तो क्या बचा, 2^4, और 2^4 दुगना 2 4 × 2 = 8, 8 × 16, यानी कि 1/8 बचा है माइनस, यहाँ पे 1/16 बचा है, ठीक है, 8 × 16 कैल्शियम 16, 8 × 2 = 16, 2 माइनस 16 × 1 = 16, 1 × 2 = 1 जाए, 1/16 आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाइए, जल्दी बनेगा, फिर से एक बार बताता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो तो इसको और शॉर्ट करके बताता हूँ, ठीक है, अगर एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं, सीधे करना है, 1/8² 2 कट जाएगा, 1/8, ठीक, माइनस, अब देखो 1/32 2^5 करेंगे ये कट जाएगा, तो 2^4 बचेगा ना, तो -2^4 डायरेक्ट 1/ लिखेंगे, ठीक है, समझिए 1/2^4। अब देखो 8 × 2^4 का मान कितना होगा, 16, 8 × 16 यानी कि 1/8 में 1/16 जाएगा, कितना बचेगा, 1/16 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि 8 × 16 = 16 से 8 × 2 = 16, 2 - 1 = 1/16, तो कहाँ समय लगता है, 10 सेकंड में तो बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर, देखिए 24 नंबर सवाल की बात करें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 243 पर पावर 1/7 दिया है, 1/7, और फिर आपका गुना दिया है 3 पर पावर 2/7, 3 पर पावर 2/7, ठीक है, और उसके बाद आपको लिखा है भाग दे दिया, भाग जो दिया है ना उसको बटा कर दो, ठीक, और लिखा है 27 लिखा है ना, देखो ध्यान से 27, चूंकि क्वेश्चन लिख ही लेते हैं पहले, और क्वेश्चन मार्क दे दिया और बराबर दे दिया है आपका 1, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। आप क्या करना,
क्योंकि ये तो किसी तरह कटेगा नहीं, क्योंकि 243 तो नहीं है ये, रहता भी तो कोई फायदा नहीं था, यहाँ 7 दे दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 दिया है ना, तो इसको भी 3 पे रखेंगे, तो 3 पे कितना पावर लगा दें कि 243 हो जाए। तो 3 पर पावर अगर हम 5 रखते हैं ना, तो 243 होता है, और गुना 1/7 हो जाएगा, और फिर गुना हो जाएगा यहाँ 3 पर पावर 2/7, और यानी कि ये तो हो गया 5/7, डायरेक्ट समझ सकते थे इसको। और यहाँ पर जो है ना, इसको भी इसी तरह, ये 3 में 3 पे है बेस मेरा, तो इसको भी 3 में ही तोड़ लो। 3 का क्यू होता है 27, और यह क्वेश्चन मार्क है तो एक्स लगा दो, बराबर 1 कर दो। ठीक, अब ध्यान से देखो, ए टू दी पावर एम 5/7 यहाँ समझना, और गुना ए टू दी पावर एन क्या सूत्र होता है, ए टू दी पावर एम गुना ए टू दी पावर एन बराबर ए टू दी पावर एम प्लस एन होता है ना। अब तो इसे पुराना हो गया, बहुत बार समझा चुके हैं। तो 3 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 5/7, और 3 पर पावर 2/7, तो क्या हो जाएगा टोटल मिला जुला के, यानी कि 5/7 और 2/7 यही ना। या फिर आपको अगर इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये कम कीजिए, पूरा लिख ही लीजिए 3 पर पावर 2/7। ठीक, और बराबर इसको गुना कर लो, ये गुना होगा, 3 × x क्या होगा 3x, और बराबर के उस पर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 3 पर पावर 3x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोच लो, ये देखो 3 3 अगर बेस मेरा समान है, और चूंकि हमको x की वैल्यू निकालना है तो ऊपर के मान से हमको यूज कर लेना, तो इसका मान क्या होगा, ए टू दावर एम गुना ए टू दावर एन। ठीक है, तो ए टू दी पावर एम प्लस एन, तो यहीं पे हम लिख सकते थे प्लस दे के इसको 3 पर पावर इस तरह से। ठीक है, और हम 5/7 और 2/7 को जोड़ते तो क्या होता, तो यहाँ पे तो हो जाता 1। ठीक है, यानी कि देखो 7 और 7 कैल्शियम 7 5 2 7/7, तो 3 पर पावर 1 हो गया, और बराबर हो गया 3 पर पावर 3x। ठीक, दोनों तरफ का 3 हट जाएगा, 3x बराबर क्या हो गया 1, x बराबर क्या हो गया 1/3 आंसर होगा। ठीक, और 1/3 है, समझ में नहीं आया फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए इसको और शॉर्ट करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं और उस तरह से भी बता रहे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो आप ये सोचना कि यहाँ पर 3 दिया है बेस में, तो इसको भी 3 पर पावर 5 करेंगे, तो 5 करेंगे तो 5/7 हो जाएगा, और 2/7 होगा, ए टू द पावर एम गुना ए टू द पावर एन क्या होगा, ए टू द पावर एम प्लस एन, यानी कि 3 पर पावर सीधे 7/7 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना माइंड से कर लेंगे। और ये क्या होगा, 3 का क्यू 27 गुना x, तो 3x हो जाएगा, 3x इधर चल जाएगा, तो क्या होगा 3x यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, 3 का क्यू था, तो 3 का क्यू 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 3 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x बराबर 1, और x बराबर क्या बचेगा 1/3 आंसर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट का 3 का क्यू का पावर x लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये गुना हो जाएगा। ठीक है, और जब ये गुना हो जाएगा तो 3x लिखे, और 3 दोनों तरफ का बेस हटा दिया, और यानी कि 3 पे पावर x बराबर 1 करके निकाल लिए। आसान था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है 24 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 25 देखते हैं। देखिए 25 नंबर सवाल भी आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहता है कि 2 का क्यू है, देखिए सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 2 पर पावर 3 लिखा है, और पर पावर 7। ठीक, और भाग दिया हुआ है आपका। ठीक, उसके बाद 4 पर पावर 7 लिखा है। ठीक, और फिर बड़ी ब्रैकेट है, और यहाँ पर पावर 1/4 दे दिया। ठीक, और बोल रहा है वो इक्वल टू वाट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इस क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो 4 है ना, सबसे पहले बेस बराबर करना है, तो 2 पर पावर 3, देखो ये तो गुना हो जाएगा ना, ये गुना होता है, हम आपको ये सब बेसिक में पढ़ाए थे पहला पार्ट में, ए टू दी पावर एम गुना ए टू दी पावर एम रहे, और पर पावर अगर एन रहे तो क्या बताए थे, ए टू पावर एम गुना एन। ठीक, तो वही होगा, यहाँ पे 2 पर पावर 21 लिख दीजिए। ठीक, भाग है ना, भाग लगा दीजिए, इसको 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर, और पर फिर पावर हो जाएगा 7, ये भी गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 21, और भाग हो जाएगा 7 × 14, 2 पर पावर 14, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में ऊपर पे 1/4 को लेकर चलना है। ठीक है, अब समझिए, अब क्या करना, देखो ध्यान से, अगर भाग रहे ए टू दी पावर एम भाग ए टू दी पावर एन रहे, तो ए टू दी पावर एम माइनस एन करते हैं ना, इसका मतलब 2 पर पावर 21 − 14 पर पावर 1/4 होगा। अब देखो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप करेंगे तो सीधे घटा के लिखेंगे, 21 में 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 7 लिखेंगे, और इसको गुना कर देंगे। ठीक है,
या फिर गुना नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर देख लीजिए कैसा दिया हुआ है। तो देखिए एक बटा चार यहाँ पे है, तो ये तो करनी चढ़ जाएगा इसे चार, लेकिन यहाँ पे दो पर पावर सात कितना मान होगा, दो पर पावर सात, सात टाइम गुना कीजिएगा, दो दुना चार, चार दुना आठ, दस, सोलह, बत्तीस, बत्तीस दुना चौसठ, और चौसठ दुना कितना हो जाएगा 128, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये आपका आंसर कितने नंबर दिया है, देखिए दो नंबर तो नहीं होगा आपका, तीन नंबर भी नहीं होगा, चार नंबर इनमें से कोई नहीं ले लो, एक नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर देना जरूरी है, ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, तब हो सकता है इस तरह का आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका चार नंबर, नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं करना, जो आ गया ना वही आपका आंसर हो गया, बस डरना नहीं है। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 26 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ईजी भी है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आठ पे पावर माइनस 25 लिखा हुआ है और आपका गुना दिया है, नहीं माइनस दिया है, और आठ पे पावर दिया है माइनस 26 ये दिया है, और बोल रहा है क्या मान क्या होगा। एक बात बताओ, यहाँ पर भी माइनस 25 है, यहाँ पर भी माइनस 25, माइनस 1, माइनस 26 है, इसका मतलब हम आठ पे पावर माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पे आठ पर पावर कितना बचेगा, माइनस 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 25 कॉमन लिए तो एक बचा हुआ है। ठीक, अब क्या करो, आठ पे पावर माइनस 25 रख लो यहाँ पे, और इसको जो है ना, देखो बात को समझो, अगर x पे पावर माइनस 1 रहता है तो क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं ना, तो ये जो है 8 पर अगर पावर माइनस 1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, तो 1 - 1/8। और क्या करो, 8 में एक जगह क्या बचेगा, 7/8, 8 पे पावर माइनस 25 गुना 7/8। इसको हम देखो, इस 8 को ऊपर ले जाएंगे, अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है जैसे कि 1/8 लिखा हुआ है, 7/8 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं 7 × 8 π·−1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 8 π·−25 × 7 × 8π·−1, क्योंकि अगर इसको फिर 1/8 करेंगे तो वही 7/8 हो जाएगा। अब देखो 8 π·−25 और 8 π·−1, ठीक है, अगर दोनों गुना में रहे तो पावर जुट जाता है, 8m × 8n क्या होता है, प्लस एम और एन दोनों जुट जाएगा, तो −25 और −1 क्या हो जाएगा, −26। तो लिख सकते हैं 7 × 8π·−26। ठीक, तो आंसर दिया हुआ है ये वाला, देख लो 26, 8 × 8π·−26, 7 × 8π·26 कहाँ दिया, तीन नंबर आंसर होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल देख के बन जाएगा। अब देखो यही क्वेश्चन को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। ठीक, बहुत बच्चे इसमें ट्रिक मांगते हैं, तो ट्रिक क्या होता है भाई, ट्रिक अगर ट्रिक से सोचोगे तो एक तो ट्रिक याद रखो, उसके बाद वो ट्रिक भूले तो गया क्वेश्चन काम से, इसलिए ऐसा स्मार्ट मेथड सोच लो कि उससे सारा क्वेश्चन आपका एक ढंग से बनना स्टार्ट हो जाए। देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉमन जब आप लेंगे तो ये तो स्टेप चलेगा आपका, लेकिन यहाँ पे जैसे 1 बचा तो ये जो होगा माइनस 1 होगा, हम समझ गए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सीधे लिखेंगे −1/8, क्योंकि जब यहाँ −1 बचा तो ऐसा लिखेंगे, और 8 में एक जगह क्या होगा 7/8, तो हम यहीं पे ऐसे कलम से पूरा 7/8 लिख देंगे, और फिर हम सोच लेंगे कि यहाँ पे −25 है, तो ये 8 ऊपर जगह क्या होगा 8 − 1, तो −25 और −1 −26, 8 π·−26 और 7 का 7 हो जाएगा। तो हम तो इसी बना देंगे आसानी से, और आपको भी इस तरह से सोचना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 की बात करें तो ये बिल्कुल जहर वाला क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान करके रख देता है। देखिए कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। 2 पर पावर क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, और फिर इंटू ये बिंदा लगा देना, यानी कि इंटू लगा देना, इसका मतलब गुना कर दो। ठीक है, और लिखा है 3 पर पावर 1/3। ठीक, फिर आपको गुना दिया है 4 पे पावर 1/4। एक बात बताओ, 4 पे पावर 1/4 को लिख सकते 2 पर पावर 2 × 1/4, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और बटे। फिर लिखा है 10 पे पावर 1/5। देखो ध्यान से, 10 पे पावर 1/5 और उधर 5 है, 2 है, 3 है, तो हम एक काम करते हैं, उसको लिख देते हैं 2 × 5। ठीक है, और पर पावर लिख देते हैं −1/5। ठीक, क्योंकि 5 के टर्म में और 2 के टर्म में हमको क्वेश्चन दिख रहा था। फिर भाग है ना, इसको गुना कर दो। ठीक,
जब गुना करेंगे तो वो पलट जाएगा, 4 पे पावर -3/5 ऊपर चल जाएगा, ठीक। और हम इसको 4 को लिख सकते थे 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 लिख सकते थे, ठीक है। और माइनस है यहाँ पे और गुना है यहाँ पे, ठीक, ऐसा लिखा जाता है 2 पर पावर 2, समझिएगा। और फिर लिख देना है गुना 5 पर पावर, यानी कि नीचे जा रहा है तो 6 को देखो, सभी टर्म 2 और 3 में है ना, तो 6 को लिख सकते 2 गुना 3, 2 3 6 लिख दिया, ठीक है। ये सभी चीज कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। और नीचे जो ऊपर में 3 पर पावर 4/3 है ना, इसको लिख लो 3 पर पावर 4/3 ही लिख दो, क्योंकि 3 पे तो है ही कहीं ना कहीं, ये सब है। और गुना हो जाएगा आपका ऊपर पे, यानी कि 5/5 पे पावर -7/5 है ना, तो 5 पर पावर -7/5 लिख लो। इतना काम आपको करना है फास्ट, ठीक। और ये काम जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, जब अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो जब क्वेश्चन उतार रहे हो तो ये सारा करते हुए उतार लो। अब ध्यान से देख लो, सभी 2 वाले टर्म देखो ध्यान से कितने हैं टोटल, यहाँ तो कट जाएगा ना 2 दूना 4, और यहाँ पे नहीं कटेगा, ये 3 दूना 6 -6/5 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 पावर हो जाएगा, इस तरह से 1 पावर हो जाएगा, और यहाँ पे 1/5 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ये 1/5 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, और ये वाला सारा सही है। अब क्या करो, लिख लो, देखो 2 पर पावर 1/2 लिख लो, फिर देखो a^m × a^n, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक। और यहाँ पर +1 हो जाएगा, और ध्यान देखो ये जो 2 पर पावर 1/5 जाएगा इसके पास, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, 2 पर पावर 1/5 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 5 पर पावर -1 हो जाएगा और -1/5, ये जाएगा ऊपर तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, तो +1/5 कर लो, ठीक। और ये वाला गुना कर लो 3 दूना 6/5, यानी कि -6/5 कर लो, और यहाँ का 1 जोड़ लो +1, ये मेरा 1 का काम हो गया। फिर गुना लगा दो, फिर 3 वाला कर लो, 3 पे पावर देखो पहले कहाँ इतना दिया, 1/3 दिया, 1/3 लिख लो, फिर और कहाँ है 3, यहाँ है, +1, और 3 कहाँ है, नीचे है ना, 3 नीचे तो कहीं था, यहाँ 4/3 है, तो देखो भाग जब ऊपर जाता है तो माइनस बन जाता है, ये बट्टा माइनस बन जाएगा, तो -4/3 हो जाएगा, ये हमारा 3 वाला टर्म पूरा हो गया। फिर बट्टा कर लो, और फिर देख लो 5 वाला टर्म यहाँ पे है, तो 5 पर पावर कितना लिखा हुआ है, -1/5 कर लो, फिर प्लस कर लो, फिर 5 पे पावर -7/5 है और तो कहीं नहीं है, 5 पे पावर और कहीं है, नहीं है, माइनस प्लस माइनस माइनस 7/5, तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, अब सॉल्व कर लो, ठीक, अब क्या करो, सॉल्व कर लो। तो देखो जब सॉल्व करोगे ना तो ये चीज ऊपर चल जाएगा, तो देखो ध्यान से, क्योंकि ये सब जुटेगा, तो यहाँ पे देखो 2 पर पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 1/5, ठीक है, 2 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11 11/5 अब माइनस हो जाएगा 6/5, तो 5 हो जाएगा, और 5 और 5 11 में 6 जाएगा 5, 5/5 हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 5/5 आया इसका मान। फिर आपका क्या है, गुना है, फिर 3, देखो यहाँ पे 1/3 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 पूर्णांक 1/3, यानी कि 3 का 3 4/3 -4/3, यहाँ पे 3 पे पावर 0 बचेगा। माइंड से कैलकुलेशन करना होगा आपका, काफ़ी आसान है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 का 1, यानी कि 3 का 3 और 1 4 4/3 और -4/3 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे गुना कर लो, ये वाला 5 वाला टर्म जो है ना ऊपर ले जाएगा, तो -1/5 और -7/5 कितना हो जाएगा, तो 5 यानी कि 5 5 5, तो -7 -1, तो -8/5, ठीक है, यानी कि कहीं कुछ हो गया है क्या, -1/5 और -7/5, ठीक है। अच्छा अच्छा ये जो 7/5 है वो नीचे ही है ना, अच्छा तो 5 5 5 ले लो, 5 पे पावर हो जाएगा आपका -6 7 और 1 -8/5, ठीक है। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, 2 पर पावर 1 × 3 पे पावर 0 का मान हो जाएगा 1, 2 पर पावर 1 यानी कि 2 × 3 ×
दो गुना और हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, 5 पे पावर -1/5 क्वेश्चन मिला लीजिए एक बार, 5 पे पावर, देखो गलती कहाँ हुआ था, 5 पे पावर 3/5 है कहीं पे, ठीक है, और हम कहीं पे मिस्टेक कर दिए, 10 पे पावर यहाँ पर जो लिखा हुआ था, यहाँ पे एक चीज छूट गया था मेरा लिखने में, ठीक है, ये तो कर दिए थे ना वो 10 को, तो गुना यहाँ पे लिखा है 5 पे पावर 3/5 लिखा हुआ था, है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा ना, इसका मतलब ये तो हमारा 1/5 चल गया ऊपर, ठीक है, ये वाला चल गया, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5 हो जाएगा और -7 -1 -8 और -8 और 3/5 तो -3/5 ऊपर चला गया, ठीक है। जो भी हो इस तरह से सॉल्व कर लेना ये क्वेश्चन, कहीं मिस्टेक हुआ है मेरे से, और बन जाएगा आसानी से, अगर नहीं हो रहा है तो चलो एक बार फिर से इसको देखता हूँ, और ये कहाँ गलती हुआ है, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे जो इस तरह से कर दी है शॉर्टकट ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा, और देखता हूँ इसको कैसे ये सॉल्व होता है। 10 पे पावर -1/5 को लिख सकते हैं 2 पर पावर -1/5 और गुना 5 पे पावर -1/5 और फिर गुना है आपका 5 पे पावर 3/5, ठीक है। 2 वाले टर्म को ऊपर भेज दिए, 3 वाले को ऊपर भेज दिए, यहाँ तक ठीक है। अब 5 वाले टर्म को यहाँ पे ले लेते हैं, 5 पे पावर a^m गुना a^n क्या होता है, a^m+n, ठीक है, और यहाँ पर 5 पे पावर 1/7 है, ठीक है, तो सबको जोड़ लो, यानी कि 1/5 माइनस में +3/5 और -7/5, देख लो -7/5 ऊपर है ना, हाँ। अब देख लो ध्यान से, तो -7 और -8 में वो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे देख लो इसका मान जो आया था कितना आया था, 2 पर पावर 1 आया था, और गुना इसका मान 0 आया था, क्योंकि 3 का 3 = 4, 4 -3, यानी कि यहाँ पे आया था 3 पर पावर 0, और ये वाला का मान जो आया था ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नीचे ही कर देता हूँ, 5 पे पावर कितना मान आएगा यहाँ पे, यानी कि देखो ध्यान से देखो, -7 -1 क्या हो जाएगा, -8, जब नीचे 5 5 रहे तो जोड़ लो, -8 + 3 तो -5 -5/5 तो 0, यानी 1 1, -5/5 -5/5 तो 1 हो जाएगा, -1, यानी कि जब 1 हो गया तो ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, तो गुना 5 पे पावर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 3 पे पावर 0 का मान कितना होगा, 2 पे पावर 1 का मान हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो 2 हो जाएगा, गुना 3 पे पावर 1 हो जाएगा, और 5 पे पावर 1 का मान 5 हो जाएगा, और 5 का 5 5 = 10 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है, थोड़ा सा क्या हुआ है कि यहाँ पे मिस्टेक कर गया था मैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, जान नहीं है। तो चलिए, अब सवाल उठता है कि सर 6 को 2/3 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 × 3, तो ये मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 में दिया था, और वहाँ पे 10 को क्यों तोड़े 2 और 5 में, क्योंकि 2 और 5 में आ रहा था, इधर कहीं पे दिया हुआ था, तो इस तरह से तोड़ लेना है, तो आंसर 10 हो जाएगा, 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। देखिए 28 नंबर सवाल की बात कर रहे थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पर पावर लिखा है 0.5 और फिर गुना लिखा है 0.5 पे पावर दे दिया आपका 4, यही ना क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आसान है, आपको क्या कहता है, देखो 0.5 को अगर आप लिखोगे हाफ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.5 = 1/2 होता है, क्योंकि 10 बढ़ाओगे 10 होगा, 5 × 10 तो हम लिख सकते हैं। अब इसको देखो इस तरह लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 1/2, इसको हाफ लिख सकते हैं, और फिर गुना 0.5 को हाफ लिख लो, यानी कि 1/2 पर पावर 4, ठीक। अब देखो 2 कट गया, तो यहाँ पे 2 गुना और 1 का पे पावर 4 तो 1, 2 पर पावर 4 2 × 2 × 2 × 4 16 2 8 16 = 1/8 आपका आंसर हो जाएगा, 28 नंबर, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 29। 29 नंबर सवाल भी काफी आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ। 1296 अपर पावर लिखा हुआ है 0.75, देखो 0.75 को 3/4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और गुना यानी कि इसके बदले लिखे 0.75 होता है इसके बदले, ठीक है, और 36 पे पावर -1 है, ठीक है, ये ना। अब क्या करोगे इस क्वेश्चन को, देखो ये वाला को ऐसा तोड़ो कि
छॉपर यानी कि चार अगर रखते हैं तो 1296 होता है, और चार यहाँ पे देख रहे थे, इसको देख के हम इस तरह तोड़ दिए, 6 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 और गुना कि माइनस नीचे कर देता है 36 कर देगा, ठीक है, 4 4 कट जाएगा, 6 का क्यों कितना होगा 216 गुना 1/36, 36 6 216 = 6 आंसर हो जाएगा, और 6 आपका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर हो गया 29 का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं 29 नंबर तक, कल की क्लास को देखेंगे 30 नंबर से, और एक नए अंदाज में एक नए ट्रिक के साथ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है इस तरह के क्वेश्चन पे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, और कोई ट्रिक अगर इसमें चाहते हैं, मान लिया जाए कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, अब सब क्वेश्चन में अगर हम एक एक ट्रिक देंगे तो क्या आपको याद रहेगा, तो संभव नहीं है, इसलिए चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद सभी को।